नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीबीआई ने शुरू की सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच, फरीदाबाद में पिता का दर्ज किया बयान, बहन और दोस्तों से भी होगी पूछताछ। सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी ने फिर की पूछताछ, पैसों के स्त्रोतों के बारे में ईडी का कसरा है शिकंजा, भाई और पिता भी जांच के दायरे में। रिया चक्रवर्ती की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, मीडिया में मुझे सुशांत की मौत का कसूरवार ठहराने की हो रही है कोशिश, केस ट्रांसफर कराने को लेकर भी सुनवाई। सुशांत के घर में पूजा का वीडियो आया सामने, नासिक के पंडितों से कराई थी रुद्राभिषेक और काल सर्पयोग की पूजा, पूजा में शामिल नहीं हुई थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत सुसाइड केस में शिवसेना नेता संजय राउत ने बिहार और केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा किसी बड़ी साजिश की आशंका, सुशांत के पिता से संबंधों पर भी उठाए सवाल। पायलट की वापसी फ्लाइट, राजस्थान में सुलझ सकता है कांग्रेस के अंदर खाने का सियासी संकट, बागी सचिन पायलट ने की राहुल और प्रियंका से मुलाकात, करीब डेढ़ घंटे चली बैठक के बाद सुलह के संकेत। सचिन पायलट के आलाकमान से मुलाकात पर बोले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, आलाकमान का हर फैसला मंजूर, सीएम गहलोत के बयान पर टिकी सबकी निगाह। सत्र से पहले सियासत, राजस्थान में 14 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र, भाजपा ने मंगलवार को बुलाई विधायक दल की बैठक, बसपा विधायकों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस के संक्रमण के चपेट में, ट्वीट कर पॉजिटिव होने की जानकारी दी, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड मौत, देश में 24 घंटे में सामने आए 62,000 से अधिक केस, एक दिन में रिकॉर्ड 1,000 से अधिक लोगों की मौत, अब तक 44,000 से अधिक लोगों की मौत। कोरोना काल में उत्सव के समर्थन में सांसद, कोरोना काल में गणेश और दुर्गा पूजा उत्सव मनाने के पक्ष में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सरकार के रोक के फैसले का किया विरोध, बोले गृह मंत्री से करूंगी बात। घर पर त्योहार मनाने की अपील, मध्य प्रदेश में त्योहारों को लेकर गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, घर घर ही त्योहार मनाएंगे लोग, 5 से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर लगी रोक। पटवारी पर एफआईआर पर आर पार, पीएम मोदी के फोटो से छेड़छाड़ पर फंसे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, लटक रही गिरफ्तारी की तलवार, विरोध में उतरी कांग्रेस, कहा सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट करने वाले भाजपा नेताओं पर भी हो कार्रवाई। एमपी बनेगा आत्मनिर्भर, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर जारी है मंथन, बोले शिवराज, 3 साल में एमपी बनेगा आत्मनिर्भर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी हुए शामिल। ट्रकों की हड़ताल, सप्लाई पर असर, मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों के लॉकडाउन से थम गए लाखों ट्रकों के पहिए, पेट्रोल डीजल और अवैध वसूली के विरोध में 3 दिन की हड़ताल पर ट्रक चालक, फल सब्जी की सप्लाई पर पड़ सकता है असर। पीएम मोदी की सौगात, पीएम मोदी अंडमान निकोबार को सौगात, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का किया उद्घाटन, लोगों को मिल सकेगी सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा। शेयर बाजार में तेजी से शुरुआत, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में दिखाई दी तेजी, सेंसेक्स में 141 अंकों का उछाल, निफ्टी में भी 56 अंकों की बढ़त। बारिश और बाढ़ की तबाही, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का कहर, केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही, भूस्खलन से मरने वालों का आंकड़ा 45 पार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश से जारी है बाढ़ की तबाही। एक साल आगे बढ़े आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट 1 साल आगे बढ़ी, अब यह फिल्म क्रिसमस 2020 की बजाय क्रिसमस 2021 पर होगी रिलीज, अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में करीना कपूर खान है आमिर की हीरोइन। गैंगस्टर विकास दुबे पर फिल्म बनाने की घोषणा, शैलेश आर सिंह करेंगे प्रोड्यूस, निर्देशन की जवाबदारी निभाएंगे हंसल मेहता। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com।